नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर यह बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज ऑल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें, इसी आशंका के चलते ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें कि 12 लेयर की ये बैरिकेडिंग है और ऐसे में दिल्ली की तरफ किसान कूच ना कर पाए, इसकी आशंका दिल्ली पुलिस को है, जिसके चलते ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिससे NH-24 पूरी तरीके से बंद हो गया है। नोएडा से अक्षरधाम जाने वाला रास्ते के अलावा दिल्ली से इंदिरापुर और नोएडा जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन यहां पर किया जा रहा है, ऐसे में अब किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां पर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रातों रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से ज्यादा समय कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना के बाद लगातार किसान वापस जा रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने का आदेश भी दे दिया गया था। लेकिन किसान नेता राकेश टकैत के मीडिया के सामने रो जाने की घटना के बाद एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जत्था जुटना फिर से शुरू हो गया है, जिसके चलते अब दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह आशंका है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें, जिसके चलते ये पहले से ही सतर्कता दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। राकेश टकैत के मीडिया के सामने रो जाने के बाद किसानों का जत्था एक बार फिर से यहां पर जुटना शुरू हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले में कार्रवाई भी कर रही है और रूट डायवर्ट भी यहां पर किया जा रहा है।